पाकिस्तान को शर्मिंदा और कुछ भी करके नहीं वो दिखा रहे। किस पे आप बोला कि हम कुत्ती गेम नहीं करते ना, हम ऐसे काम करते हैं कि पैसे जैसे लगाते हैं। कुत्ती टीम पे पैसे नहीं लगाते हम। देखा पाकिस्तान जैसे हालात ने ना इंडिया सब फेंटा लगाया इन सबको। आप मुझे फेंटा तो लग रहा है किस पे? इंडिया पे। अच्छा, ऐसी कुत्ती टीम पे पैसे लगाता नहीं? नहीं, पैसे लगाए हुए थे इसी वजह से मैंने इतनी गालियां निकाली सारे। मैंने कसम से कसमें थोड़ा बंदा खेलता है आधी सलाहितों को आगे लेके आता, ये तो डाउन पर तो मान रहे आप? नहीं नहीं, मोमिन साकिब की बुंड मारो आप। मोमिन साकिब नहीं, ये पूरी टीम ही मैं चुप कर जो ये वो है वो के आप टीम के लिए नहीं खेलते हो, आप अपने लिए खेलते हो। ये आपके वाली बात थे ना, मुझे पूरी उम्मीद थी कि उसने हारना था, मतलब उन्होंने जलील कर चूत का ढक्कन है ये तो आ रहे थे। अच्छा खेला, अच्छा खेलना, हमने गांड में लेना चाहिए, इनको नंगा करके मारना चाहिए। जो हालात हर मैच आ रहे हैं, हर ये हमारे आपके भाई हैं। हाँ भाई, सबके भाई, सबके भाई हैं, अच्छी बात है। हर मैच आ रहे हैं गंदा कर रहे हैं। ये इमाम को पता नहीं डाला क्यों है, ये तो बिज़त कराएगा हमें। तो फखर जमान पे जो उसको बड़ी उम्मीदें थी। मैं ठीक, आप सुना? अच्छा, मैम मैच देखा आपने आज कि देखती नहीं है? मैच मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन मुझे सुना है कि वो हार गया, तो वैसे मुझे उसके जीतने का भी कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे थे ना। मुझे पूरी उम्मीद थी कि उसने हारना था, मतलब उन्होंने जलील करवाना था जैसे कि वो हमेशा से करवाते आ रहे हैं। तो मुझे बताएं किस पे ज़्यादा उम्मीदें थी आपको आज? मुझे उम्मीदें थी नहीं है अभी भी। किस पे? इंडिया पे। अच्छा, इंडिया आपको पता है वर्ल्ड कप इंडिया लेके जाएगा? हाँ, यस। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच था, तो आज के मैच पे क्या कहेंगे? आज के मैच पे मैंने ना देखा ना, मैं कुछ कहना यही चाहूँगी कि जैसे कि पाकिस्तानी हमेशा करते आ रहे हैं, पाकिस्तान को शर्मिंदा और कुछ भी करके नहीं वो दिखा रहे। किस पे आप बैट्समैन की बॉलर की बात करें, बैट्समैन कौन अच्छा है कोई पता है? नहीं, कोई भी अच्छा नहीं है। पता है मुझे, कोई भी अच्छा नहीं है। अगर अच्छा होता तो पाकिस्तान हारता। अच्छा, बॉलर कोई भी अच्छा नहीं, अच्छा होता तो पाकिस्तान हारता। हाँ, ये मुझे हारिस रऊफ ने 97 जो कि रन खाया है, आप इस पे क्या कहेंगे? फ़ायदा इतना खा के हार जाने का। अच्छा, हार गए हैं फिर भी? हार गए हैं। हाँ, तो क्या कहेंगी लास्ट में देखने वाली माम को? शर्मिंदा। शर्मिंदा, ओके। उसे सर कैसे हैं आप? मैं ठीक। बोलिंग सर, आप पहले तो मुझे बताएं पाकिस्तान मैच हार गया, क्या कहेंगे? यार क्या कहना, इनको तो जूतियाँ पड़नी चाहिए, इनको नंगा करके मारना चाहिए। जो हालात हर मैच हार रहे हैं गंदा कर रहे हैं। ये इमाम को पता नहीं डाला क्यों है, ये तो बिज़त कराएगा हमें। तो फखर जमान पे जो उसको बड़ी उम्मीदें थी पाकिस्तान को, क्यों क्या किया है फखर जमान? चूतिए इंसान है ये दोनों ही, इनको टीम में डालना ही नहीं चाहिए था। और दूसरे हारिस रऊफ इतने छक्के पड़े, चौके पड़े, ये पूरी टीम ही मैं चुप कर जो ये वो है बोल दे। नहीं, गाली नहीं देनी, ये पूरी टीम समझ गए होंगे यार। पीछे हारिस रऊफ को स्कोर पड़ रहे थे और पीछे बार बार चौका, वो बैट्समैन पीछे खेल देता था, चौका हो जाता था। इतने चौके और छक्के पड़े हैं पर इन्होंने फील्डर पीछे नहीं खिला रहा, और वो कीपर भी कीपरिंग भी आम कर रहा था यार। आज बिज़त करा के रख देता, कसमें थोड़ा बंदा खेलता है आधी सलाहितों को आगे लेके आता, ये तो डाउन पर डाउन होते रहे। ऐसी टीम को अभी घर वापस आ जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो हमारे बाबर आजम हमारे जो के कैप्टन है, उन्हें बड़ी अच्छी परफॉर्म दी है? तो कोई नहीं किया यार, एवं ही बाबर आजम अच्छे नहीं है कैप्टन। आपको क्या लगता है जो हमारा वार्म अप में ये हाल काट सकते हैं, तो वो जब मैच होगा तो इंडिया से क्या बुरा हाल होगा हमारा? ठोक के रख, तो इंडिया ठोक के रख देगा। इधर ठोकने वाला के ऐसे कौन है, इधर पता चले इंडिया हमारी टीम हमारी एक और इंडिया ठोक के रख देगा। इंडिया ठोक के रख देगा, एक तो इशारा भी करो ना, इंडिया ठोक के रख देगा। इंडिया ठोक के रख देगा पाकिस्तान जैसे हालात ने ना इंडिया सब फेंटा लगाया इन सबको। आप मुझे फेंटा तो लग रहा है ऑलरेडी, और लगना भी है इनका। नेदरलैंड के साथ पहला मैच है इनका, तो नेदरलैंड से क्या परफॉर्म करेंगे अगर ये परफॉर्म? नेदरलैंड से तो ये जीत जाएगी टीम, क्योंकि नेदरलैंड की इतनी टीम नहीं है। तो इंडिया के साथ पेंडा लगेगा इनको भाई, बहुत बड़े स्कोर पड़ने हैं। ये जो अभी न्यूजीलैंड के साथ इनका हाल हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ जो करवा रहे हैं इतनी विकटें भाई, मैच इतनी आसानी से यार, बहुत बुरे हालात है, बहुत बुरे हालात। ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब आदाब। अच्छा, ये तीन क्यों अल्फाज बोलते हैं? ओ, इंडिया वालों को भी सलाम करते हैं, वो भाई हैं हमारे। आपके भाई हैं? हाँ भाई, सबके भाई। सबके भाई हैं, अच्छी बात है। मुझे बताओ आज पाकिस्तान हार गया, क्या कहेंगे?
भाई 15 रन से हार गया है। पहले आप मुझे ये बताएं, जो आपके ये कैप्टन है, जो ये चूत का ढक्कन है, ये तो पहले आप भाई अच्छा खेला, अच्छा खेलना, हमने गांड में लेना जब मैच हार गए, इसकी गांड दर्द कर रही थी, बाहर चला गया, बाहर क्यों गया? पहले आप ये बताएं कि अच्छा खेल रहा है सेट बैट्समैन, बाहर क्यों गया? आप बता दें कि 9 आउट हुए हैं, बाबर आजम की गांड दर्द कर रही थी, बाहर चला गया इतना अच्छा खेल के भी। क्यों आपको कितनी उम्मीद थी बाबर आजम पे कि आज बाबर आजम जितना परफॉर्म? तो पहले शुरू से इस पे उम्मीद नहीं थी। उम्मीद है थी? नहीं थी मुझे तो। अच्छा, थी पहले दिन से, मैं इसको मानता ही नहीं हूँ बैट्समैन। पहले आप ये बताएं, 90 रन बना के बाहर चला गया, इसकी गांड में कीड़ा था कोई क्या? और गांड में खारिश हो रही थी इसकी। सर आप क्या कहेंगे भाई, कह रहे हैं जी बाबर आजम को नहीं था जाना चाहिए, क्या कहेंगे आप भाई? सारे कह रहे हैं जब आपका 90 स्कोर है, आपको पता है भाई 10 आउट हैं, कोई 15 आउट तो नहीं होने हैं, आप क्या लेने गए बाहर? आपने 90 स्कोर कर दिया, आपको पता है भाई आज कप्तान शदाब खान है, मैंने सेंचुरी कर दी तो हो सकता है मेरे आने वाले वक्त से मेरे से कप्तानी छीन लें। कोई ये ना समझे भाई ये कप्तान ही तो परफॉर्मेंस देता है, आप बाहर चले गए, मतलब बात वही साबित हुई कि आप टीम के लिए नहीं खेलते हो, आप अपने लिए खेलते हो। ये आपके वाली बात, क्या वही कहता हूँ, क्लब रहे थे आप, ये भाई ने वही बात की है तो ये अपने लिए खेलता है ना। वो भाई ने सही कहा है कि भाई अगर मैंने आज सेंचुरी कर दी, अगर आज मैंने सेंचुरी कर दी तो मेरी कप्तानी जा सकती है। इसकी पता नहीं गांड में खारिश हो रही थी कि बाहर चला गया छोड़ के। यार इतना आउट क्लास बाबर आजम खेल रहा है, और इफ्तिखार की बहन को चोद ने जब मैच हार गए भाई, जीता मैच हार गए, इफ्तिखार अहमद का क्या कहेंगे, वो अच्छा खेले, वो अच्छा खेले हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं, वो अच्छा खेले हैं, ठीक है। अगर वो आज पैसे तो लगाए होते हैं पैसे मैं तो पाकिस्तान के खिलाफ ही लगाता हूँ, आपको पता ही है। मैंने शुरू से कहा है कि ऑस्ट्रेलिया जीते। यार आप भी अंदर आ जाओ, आप नहीं नहीं आइए। अच्छा मेरी बात सुनो, आज बाबर आजम ने परफॉर्म किया नजर आया, आप आज जीत गए, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, वहाँ मैच पाकिस्तान हार गया, क्या कहेंगे आप? मतलब क्या उम्मीद तो नहीं थी वैसे पाकिस्तान हारेगा, बट फिर भी हार गया, ठीक है। तो क्यों हार गया भाई, आप ये भी वजह भी कोई बता सकते हैं क्यों हार गया? जीता मैच नहीं, वो आपने पैसे लगाए हुए थे ना। मैं ऐसी कुत्ती टीम पे पैसे लगाता नहीं। नहीं पैसे लगाए हुए थे इसी वजह से मैंने इतनी गालियां निकाली सारे। मैंने कसम से लगाए थे, मैंने कसम से लगाए थे, ऑस्ट्रेलिया पे लगाए थे, तब चाचू इफ्तिखार ने बोला कि हम कुत्ती गेम नहीं करते ना, हम ऐसे काम करते हैं, पैसे जैसे लगाते हैं, कुत्ती टीम पे पैसे नहीं लगाते हम। फिर भी आपने पैसे लगाए हैं, कुत्ती टीम पे हम पैसे नहीं लगाते। मेरी बात सुने ना, अभी हम भरोसेमंद टीम पे पैसे लगाते हैं। ये देखें जी, अभी इन्होंने बोला कि हम ये उल्टे काम करते ही नहीं। मैंने उल्टे काम की बात अगर दोबारा सुन सकते हैं, अगर मैंने किए तो आपके जूता मेरा। सर मैंने कहा ऐसी कुत्ती टीम पे मैं पैसे नहीं लगाता। और यार किनियर ही कह रहा है, बार बार कही जा रहे हो अपनी टीम है, पाकिस्तानी टीम है, अपनी टीम है, लेकिन जो हिजड़ों का कैप्टन वो अपना अपनी टीम के लिए नहीं खेलता चाचू। ये क्या कह रही है, ये बात आपसे मैं पूछूंगा। वो कह रहे हैं बाबर आजम पैसे के लिए खेलता है, अपने पाकिस्तान के लिए नहीं खेलता, ये बात राइट है? नहीं जी खेलता है, टीम के लिए खेलता है। कौन मतलब कौन सा खिलाड़ी, कौन सा प्लेयर है जो अपनी टीम के लिए नहीं खेलेगा, अपने मुल्क के लिए नहीं खेलेगा? बाबर आजम। वो भाई भाई से भी सुन रहे हैं, वो भी पाकिस्तान। नहीं जी गलत है, बाहर क्यों गया? अगर 90 रन बना लिए बाहर क्यों चला गया? किसकी गांड में खारिश हो रही थी? और मेरी बात सुने, ऐसे कीड़ा तंग कर रहा था। मेरी बात सुने जी, अब मतलब बंदा आउट ही नहीं हो सकता यार। भाई आउट हो, तू आउट होके चला जा, अबे लोड़े आउट होके चला जाता भाई, पता नहीं इसे पोटी आ गई थी, पता नहीं पोटी करने चला गया यार। नहीं यार। नहीं आज हमारी बॉलिंग कैसी रही है? बॉलिंग कैसी रही है? मार मार के बहन चो, क्या बताऊँ, ऑस्ट्रेलिया वालों ने इनको हमारी तो यार वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग आपने आप अपनी गांड में ले लें। 97 आपके वर्ल्ड क्लास जो बॉलर है हारिस रऊफ साहब 97 रन खा गए। मोहम्मद आमिर किंग है, उसको क्यों नहीं लेके गए? क्यों नहीं लेके गए जो पाकिस्तान की टीम में किंग है, मोहम्मद आमिर है। शिदाब खान कैसा खेले? बॉलर बहुत अच्छा खेले हैं वो भी। मैं क्या गाली निकालूं, मैंने कभी उसको गाली नहीं निकाली, वो भी चूत का ढक्कन ही निकला आज। बाबर आजम को इतनी गालियाँ दी उसने, गैरत की गोली खाई थी, गैरत उससे आई थी, पता नहीं पोटी आ गई थी, बाहर चला गया पोटी करने के लिए, जीता मैच हर वाके चला गया यार। यार आप आपके आगे ही बड़े, आपके फैन हसास के पागल, क्या हुआ? ओ भाई इन्होंने ना दिल तोड़ दिया। मोमिन साकिब तो मान रहे आप? नहीं मोमिन साकिब की बुंड मारो आप। मोमिन साकिब नहीं, हम मोमिन नहीं, हम जुआ रही हैं भाई, हम जुआ लगाते हैं। को कोई बात कहेंगे? मैं फैन को यही कहूँगा कि जो चूतिया टीम है इस पर कोई भरोसा ना करे, ये भरोसेमंद टीम नहीं है। ये देख लो, ये साबित कर दिया आज इस चूत के ढक्कन ने कि मैं अपने लिए खेलता हूँ।
अबे सेंचुरी करता पता होता यार इसकी कप्तानी नहीं थी यार, इसने सेंचुरी की है इसी डर से कि मेरी कप्तानी ना छीन।